तो देखिए आज हम लोग बोहर सबटॉपिक मॉडल पढ़ेंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल। हम लोग तीन मॉडल अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला मॉडल कौन था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दूसरा मॉडल था हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, समझे। अब एक और हमारा मॉडल कौन है? बोहर सबटॉपिक मॉडल। ये भी ऐसे परमाणु के बारे में बताने वाला है। दो दो और थे जो परमाणु के बारे में इंडिकेट कर रहे थे, तीसरा है वो भी परमाणु के बारे में बताएंगे। तो बोहर सबटॉपिक मॉडल कौन दिए थे? नील्स बोहर। कौन दिए थे? नील्स बोहर। यहाँ लिख दिया गिवन बाय नील्स बोहर। इसका स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। कब दिए थे? 1913 में। कब दिए थे? 1913 में। ये नील से आपको याद होगा, तो नील की खेती जिस पर बैन लगाया गया दिया गया था, उससे जो भूमि है जो शायद अनुपजाऊ हो जाता है, समझे। गिवन बाय कौन है? नील्स बोहर। कब दिए थे? 1913 में। आखिर वो क्यों दिए थे? उनका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। हर इंसान का किसी भी काम को करने के लिए एक पर्पस होता, मतलब उद्देश्य। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कि डिमेरिट को हटाना। तब पूछे किसके डिमेरिट को? तो बोलते हैं ना कि डिमेरिट ऑफ डिमेरिट टू रिमूव रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हम बोल रहे हैं कि डिमेरिट का मतलब, मेरिट का मतलब होता है पहले कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो मेरिट हो गया, और डिमेरिट के मतलब कि जो आपके अंदर कमी है। तो डिमेरिट का मतलब बोलता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कमियों को हटाने के उद्देश्य से बोहर एटॉमिक मॉडल दिया गया। अब हम लोग जानने की इच्छा हो कि आखिर ये बोहर एटॉमिक मॉडल के बताना क्या चाह रहा है हम लोग को। तो पॉइंट नंबर थ्री, तो जिस तरह बोलते थे कि बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते थे? स्टूडेंट। उसी तरह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक साथ क्या बोलेंगे? बोहर एटॉमिक मॉडल। मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दोनों को मिला देने के बाद जो थ्योरी हम लोग को ऑब्टेन होगा, उस थ्योरी का ही नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद है ना आपको? एक ब्लैक बॉडी था, सनलाइट आता था, वह ब्लैक बॉडी 100% सनलाइट की एनर्जी पहले एब्जॉर्ब कर लिया, फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो बहुत ज्यादा हीट हो गया, हीट होने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज किया, और वह जो एनर्जी रिलीज कर रहा था वो कंटिन्यूअस लाइन था कि डिसकंटिन्यूअस लाइन? किस फॉर्म में कर रहा था? एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जो वह एनर्जी निकल रहा था वो कुछ इस तरह के फॉर्म में निकल रहा था, जिसको इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते थे? क्वांटम। चाहे जो एनर्जी है वो कुछ इस फॉर्म में भी निकल सकता है, इस फॉर्म में, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। यही पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते थे? क्वांटम। क्या बोलते थे? क्वांटम। फिर था एक हमारा अदर एटॉमिक मॉडल, हम बोलते थे रेडियो एक्टिव मेटल है, तो एक ऐसा मेटल जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रे रिलीज हो, तो वहां ऐसा हमको कंसिडर सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल पर फोकस हमारा। वहां क्या देखे कि एक रेडियो एक्टिव मेटल था पोलोनियम नाम के, वहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, और उसी के सामने गोल्ड फॉइल लेकर रखे थे। गोल्ड फॉइल बहुत ही मैलिएबल था, बहुत ही पतला था, वो 0.008 सेंटीमीटर कुछ था पतला। तो देख रहे थे कि अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल पूरा पास हो गए, इससे पता चला कि परमाणु के अंदर बहुत जगह क्या था मेरा? खाली, मतलब बहुत जगह मेरा एम्प्टी स्पेस था। फिर अल्फा पार्टिकल भेजे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल गया, थोड़ा सा मूव कर गया, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब थोड़ा सा मुड़ गया। फिर 20,000 अल्फा पार्टिकल को भेजे थे, एक अल्फा पार्टिकल सीधा गया और फिर रिटर्न आ गया। कितने एंगल से आया था? 180 डिग्री एंगल से। तो जो ये 180 डिग्री एंगल से आ रहा था उसको क्या बोलते थे? मेजर डिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे? मेजर डिफ्लेक्शन। तो अब बताइए बोहर सबटॉपिक मॉडल कौन दिए थे? नील्स बोहर। कब दिए थे? उनका पर्पस क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिमेरिट को हटाना। और बोहर सबटॉपिक मॉडल कौन कौन थ्योरी की मदद से आया है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की मदद से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा मेन पॉइंट्स।
चाहे बोल सकते हैं मेन पोस्टुलेट्स भी, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अरे क्या बोलता है, बोलता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल की मुख्य बिंदुएं, जब पोस्टुलेट्स का मतलब होता है मान्यताएं, चाहे इसी को बोलते हैं कल्पनाएं, मतलब कल्पना किया गया। ये जो थ्योरी है ना, पहले ध्यान रखिएगा, जब भी केमिस्ट्री में कोई थ्योरी आए तो पहले घटना होता है और घटना होने के बाद आता है थ्योरी। जैसे आप लोग देखेंगे न्यूटन वाला, पहले वो सेब गिरा उसके बाद आया थ्योरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ। तो पहले घटना होता है उसके बाद थ्योरी आता है, ठीक है। हाँ नाइन्थ क्लास आपको कि ये हमारा एटम था जिसको परमाणु बोल रहे थे। एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते थे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को आप लोग केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते थे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता जो होता है वो हमारा सर्कुलर होता है, और यही सर्कुलर रास्ता को क्या बोलते थे, सेल। ये सर्कुलर रास्ता को हम लोग सेल बोलते थे, इसी का नाम ऑर्बिट है, और इसी का तीसरा नाम है एनर्जी लेवल। तीसरा नाम क्या है, एनर्जी लेवल। इसके एक और नाम है स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। आप लोग स्टेशन सुने होंगे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बस स्टेशन सुने, बस स्टैंड आप सुनेंगे, ठीक है, तो वही है ना, तो स्टेशन ही बोलते हैं। तो ये स्टेशन है, आप एक सुनेंगे, अच्छा यही सी बात बताते, आप स्टेशन सुने, एक ऐसा जगह जहाँ पर गाड़ी रुकती हो और रुक के चल जाती हो, वही आपका स्टेशन कहलाता है। तो वही हो गया आपका स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब एक ऐसा ऑर्बिट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो, वही हमारा क्या कहलाता, स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए यहाँ पे एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियस, क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता स्ट्रेट होता है कि सर्कुलर, सर्कुलर होता है। इसी सर्कुलर रास्ता को क्या बोलते हैं, सेल। दूसरा नाम ऑर्बिट, तीसरा नाम एनर्जी लेवल, और फोर्थ नाम क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो परीक्षा में आपको कोई भी नाम दे सकता है, तो अक्सर बुक में सेल और ऑर्बिट की चर्चा करता है। आपको एनर्जी लेवल थोड़ा सा अच्छा लेवल दिया, स्टेशनरी थोड़ा और अच्छा दिया। बुक्स में पढ़ रहे थे तो देखिए यार ये भी नाम बहुत अच्छा यूज किया है कहीं कहीं, तो आपको चारों नाम बता दिए। अक्सर आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए तो यही आज तक आप यही सुनेंगे, सेल चाहे ऑर्बिट, ये सब नाम नहीं सुनेंगे आज तक। तो आप बताइए न्यूक्लियस में दो कोयल आता था, एक प्रोटोन था, एक क्या था हमारा, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज था, और न्यूट्रॉन हमारा चार्ज लेस था कि चार्ज पार्टिकल था, चार्ज लेस था, उसके पास किस तरह कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन को क्यों रखा गया था, क्योंकि अरे प्रोटॉन था, प्रोटॉन में प्लस प्लस का साइन था, माने दो का प्रोटॉन है, दोनों का प्लस प्लस है, तो सेम चार्ज होने में दोनों बीच रिपल्सन हो जाएगा, तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए बीच में न्यूट्रॉन को रखा था, समझे। न्यूट्रॉन एक तरह का इंटरमीडिएट का काम करता था, बोलते हैं तुम लोग लड़ो मत, मैं तुम लोग दोनों आपस में रिपेयर नहीं करो, क्योंकि तुमको न्यूक्लियस में ही रहना है, अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो न्यूक्लियस टूट जाएगा, और गलती से न्यूक्लियस टूटा तो धरती पर कोई भी चीज नहीं बचेगा, सारा चीज टूटने लगेगा, समझे। इस तरह तो फिर सर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, हाँ वही कह रहे हैं। तो आज देखिए मामला, देखिए तीन दोस्त थे, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मामला क्या हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं यार हम लोग बचपन का दोस्त थे, हम लोग एक साथ रहेंगे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रह गया एक साथ। अब मामला बच गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं यार तुम लोग साथ मेरा बनता नहीं है, हम तुम लोग से दूर रहेंगे। तो थोड़ा सा दूर गया, और वही दूरी को बोलते हैं थोड़ा सा दूर तो रहेंगे लेकिन हम उस जगह पर रहेंगे जो जगह मेरा गोलाकार रास्ता जैसा होगा, समझे, हम कहीं भी नहीं रहेंगे, हम गोलाकार रास्ते में रहेंगे, तो वहीं पर इलेक्ट्रॉन जाके सिचुएटेड होंगे, मतलब फिक्स होगी। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहीं पर घूमेगा। अब बताते हैं आपको, मान लीजिए हमको हजारीबाग से दानाजान बरी, उसके एक अलग भाड़ा है 60 या 70 रुपीज, और अगर हमको वही हजारीबाग से अगर कोडरमा स्टेशन जाना है तो वही आपको देखते कि भाड़ा 120 रुपये लग करीब, 120 130 के करीब है,
इसका मतलब ये हो गया कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट से आप सेकेंड ऑर्बिट जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको रुपया ज्यादा लगेगा, मतलब एनर्जी ज्यादा लगेगा, फिर थोड़ा और ज्यादा जाएगा, मतलब हम लोग हजारीबाग से डोमचार जा रहे हैं तो आपका थोड़ा सा और भाड़ा बढ़ जाएगा। अब देखिए मामला क्या बोलता है, बोलते हैं एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जाइएगा ना तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा, एक ऑर्बिट से थोड़ा और दूर वाला ऑर्बिट के पास जाइएगा तो आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर ये भी बोलता है कि अगर न्यूक्लियस से आप बाहरी की तरफ जा रहे हैं तो उसका भाड़ा फिक्स, तो न्यूक्लियस से अगर फर्स्ट ऑर्बिट के पास जा रहे हैं तो इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, फिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन दो ही जूल से फर्स्ट ऑर्बिट घूम रहा है तो आज के बाद 10 साल के बाद भी ये दो ही जूल से यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट घूमेगा, ये 3 जूल में कभी कन्वर्ट नहीं होने वाला। मान लीजिए कि आपका ये सेकेंड ऑर्बिट, मान लीजिए कि सेकेंड ऑर्बिट 4 जूल से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ पर हमेशा ये 4 ही जूल में इलेक्ट्रॉन 4 ही जूल एनर्जी की मदद सेकेंड ऑर्बिट में हमेशा घूमेगा। मानते कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान रहा वहां इलेक्ट्रॉन है तो 10 जूल की एनर्जी से घूम रहा है, कितना एनर्जी से 10 जूल की एनर्जी से, तो 1000 साल चाहे करोड़ साल के बाद भी देखेंगे 10 जूल एनर्जी से थर्ड ऑर्बिट में हमेशा घूमेगा। तो क्या आप बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास निश्चित मात्रा होती है एनर्जी का। अब देखिए लैंग्वेज क्या होगा, ये बात समझ में आया, यहाँ पर एक चीज और सुना है, सारा पॉइंट यही से निकलेगा, ये चीजें बताए ना यहाँ से, अब आपका दूसरा तीसरा चौथा तीनों चैप्टर यही बनाएंगे, यहीं से बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, अभी शुरुआत हुआ है समझे। अब देखिएगा यहाँ से कितना चीज हम निकालते जाएंगे। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोड मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस और कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल या ऑर्बिट। अब देखिए यहां बोल रहा है, फौरन एक इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर कंसेंट्रिक गोलाकार रास्तों में, वह कहलाता है कसेलिया ऑर्बिट। अब आपका दिमाग में आता है कि कंसेंट्रिक क्या है, तो कंसेंट्रिक का मतलब होता है सकेंद्रीय, अरे सकेंद्रीय मतलब केंद्र के सही, अब इस तरह वर्ड कभी पढ़े क्या, अच्छा बताते हैं, बोलते हैं ना कंसेंट्रिक का मतलब समझिए कि जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, वही आपका क्या कहलाता है, कंसेंट्रिक। अब बताइए भूख लग गया नहीं, यहाँ पे ये आपका गोला है जिसको बोलते हैं आप स्फीयर। अब बताइए मान लीजिए सेंटर पार्ट है आप, एक हम बोल रहे हैं कि सेंटर से पेरिफेरी के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते थे, रेडियस। अरे सेंटर से पेरिफेरी के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाता है, रेडियस। यहाँ पर ये सेंटर है, ये हो गया पेरिफेरी, तो सेंटर से इस ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, रेडियस। फिर बोल रहे ये सेंटर है और सेंटर से इस ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोल रहे हैं, रेडियस। तो क्या देख रहे हैं आप, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट तीनों ऑर्बिट का रेडियस सेम है कि डिफरेंट, रेडियस डिफरेंट है, सेंटर सेम है। तो जब सेंटर सेम है तो यहाँ पर देखिए तीनों ऑर्बिट का न्यूक्लियस क्या है आपका, सेम है, तीनों का रेडियस यहाँ से क्या है, अलग अलग है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, कंसेंट्रिक। अब पॉइंट नंबर टू हम बोले हैं कि एज इलेक्ट्रॉन मूव फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट। अब देखिए बोलता है एक खास ऑर्बिट में एनर्जी का निश्चित मात्रा होता है एक इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, अच्छा सुनिएगा, बोले एक खास ऑर्बिट में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, चाहे अनलिमिटेड ऑर्बिट होता है, कोई भी हो सकता है, तो एक खास ऑर्बिट में एनर्जी का
निश्चित मात्रा होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास घूमने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, ये लोग पॉइंट पहले भी बताए थे आप। मान लें यहां पे मेरा सनलाइट है, यहां पर कौन है मेरा सनलाइट, तो सनलाइट से जो एनर्जी प्राप्त होता था उस एनर्जी को क्या बोलते थे, रेडिएंट एनर्जी। उस एनर्जी क्या बोलते थे, रेडिएंट एनर्जी। क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां से क्या निकलता था, रेडिएशन। तो रेडिएशन से निकलने वाले एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेडिएशन एनर्जी। तो उसी को क्या बोलते थे, रेडिएंट एनर्जी। अब देखिए ये सनलाइट है, यहां से एनर्जी गया, वह एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, अरे यार हमको तो एनर्जी का जरूरत है। तो पूछे क्यों जरूरत है, तो बोलता है आज मेरा मन है घूमने का। तो बोले कहाँ घूमना चाहते हो, तो बोलता है कि दूसरे यहाँ। तो बोले दूसरे यहाँ कहाँ, तो बोलता है कि यार अपना घर से दूसरा घर की तरफ। तो बोलता है, अब इलेक्ट्रॉन बोलता है कि अरे यार मतलब तुम है ना छोटा ऑर्बिट से बड़ा ऑर्बिट की तरफ जाना चाहते हो, मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाना चाहते हो, तो तुम्हारी इच्छा क्या है। तो बोलता है मेरा इच्छा यार कि कोई काश हमको एनर्जी देता। तो सनलाइट बोलता है फिकर नो, हम तुमको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो पूछे कि क्यों, मतलब कैसा एनर्जी दे रहे हो, तो बोलते रेडिएट एनर्जी हम तुमको दे रहे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस रेडिएट एनर्जी को पहले गेन किया, गेन करने के बाद लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के पास किया, लेकिन वहां पर एक सेकेंड नहीं 10^-8 सेकेंड ठहरता है, मतलब एक सेकेंड का इतना छोटा भाग तक रुकता है। फिर वहां रुका, फिर इसको याद आता है अपना घर, यार हमको अपना घर लौटना है। तो वो क्या करता है, फिर से जंप कर जाता है उसी लोअर ऑर्बिट की तरफ। कहाँ जंप कर जाता है, उसी लोअर ऑर्बिट की तरफ। लेकिन जब वह जंप करता है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के पास जब इलेक्ट्रॉन फिर से कूद रहा है, तो अब क्या करता है, वहां से कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वह जो एनर्जी रिलीज करता है, वह रिलीज एनर्जी आपका कलर के फॉर्म में हो सकता है, चाहे आपका व्हाइट कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, ब्लैक हो, कोई भी कलर हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा वह जो एनर्जी जो इमिट कर रहा है, वह इमिटेड एनर्जी आपका रेडिएशन के फॉर्म में होता है, वह रेडिएशन आपका कलर के फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक, आप लोग देखते होंगे कि रेडियम, रेडियम, रेडियम अपने डिनेस में जा रहे, देखे देखता है कि गाड़ी धीरे चलाए, तो हमारा रेडियम लगा रहता है। वो रेडियम क्या करता है, आप देखिए वो रात को लाइट मार रहे हैं, तो वो लाइट पहले रेडियम एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे एब्जॉर्ब किया, फिर वो तुरंत आपको रिफ्लेक्ट करके लाइट पहुंचाता है, उससे पता चलता है कि वहां लिखा हुआ कि गाड़ी धीरे चलाएं। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, तब पता चल जाता है वहां की गाड़ी धीरे चलाएं लिखा हुआ है, समझे बात। वही मामला यहाँ भी हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, समझे, चीजें वही से जुड़ रही है। तो देखिए 10^-8 आप बताइए आपको, या इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तरफ जाना चाह रहा, तो वह एनर्जी को लूज करेगा कि गेन करेगा, लूज करता है। अरे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहे हैं, गेन करेगा, और फिर हाँ गेन कर दिया तो हायर ऑर्बिट पहुंच गए, वहाँ कितना देर ठहरेगा, 10^-8 सेकेंड। और फिर हायर ऑर्बिट से फिर लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो वह एनर्जी को लूज करेगा कि गेन करेगा, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वह रिटर्न आ रहा है, तो वह जो एनर्जी इमिट करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, वह कलर के फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा आपका, कलर के फॉर्म में। देखिए इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, देन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अब स्टोर है बहुत सही यहाँ पे, हाँ बोल देना, एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन कूद रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की ओर, तब एनर्जी का लेन देन होता है। अच्छा सुनिए काम को पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन कूद रहा है लोअर ऑर्बिट से
हायर ऑर्बिट की ओर तब एनर्जी का लेन देन हो रहा है, मतलब चाहे वह एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है चाहे एनर्जी आपका रिलीज कर रहा है। बताइएगा अभी फिर से वही तरह के पॉइंट खींच रहे थे इसी पर। इस चीज को जनरली कॉपी में इस तरह नहीं दिखाते, बहुत बड़ा लेंथी लगता है देखने में। इसको ऑर्बिट को हम कुछ इस तरह दिखा रहे, ठीक है यहाँ पे ऑर्बिट को है ना, तो एक लाइन मान ले, ये आपका एक लाइन है, ये ऑर्बिट को हम लोग क्या मान रहे, एक तो लाइन, ये पता है आपका एरो का टेल है, ये आपका क्या हेड है, ये आपका कंप्लीट हेड एरो है, ठीक है। अगर रहता आपका पार्शियल हेड एरो तो किस दिखाते, ऐसे ही रहता इस, ओ हाँ, इसी को बोलते हाफ हेड एरो, हाँ हाफ हेड एरो, इसी को बोलते रिवर्सिबल, रिवर्सिबल यहाँ से रिएक्टेड रहेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेड बन जाएगा, क्या बोलते हैं रिवर्सिबल, तो इस तरह करेगा शायद रिएक्टेड प्रोडक्ट में जाएगा, ये प्रोडक्ट के रिएक्टेड में कभी भी नहीं आएगा। तो आज इस कंप्लीट हेड एरो को हम लोग क्या मान रहे हैं, ऑर्बिट, क्या मान रहे हैं ऑर्बिट, और हम बोल रहे हैं कि लोअर ऑर्बिट से जा रहे हम हायर ऑर्बिट के पास। तो बताइए जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, हाँ नहीं, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के पास जा रहे हैं तो वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्या गेन करेगा, एनर्जी, अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ बोले सर, तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एनर्जी को क्या करेगा यहाँ पर गेन करेगा। अब बोल रहे हैं कि हम है ना तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आना चाह रहे हैं, तो बताइए ये जो हेड एरो है वो ऊपर दिखाएंगे कि नीचे दिखाएंगे, नीचे, हाँ तो वही तो पूछ रहे, तो हम आ रहे हैं हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। अब बताइए यह जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, तो एनर्जी को लूज करेगा तो क्या बोल सकते हैं, यह एनर्जी को इमिट कर रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन लूज क्या कर रहा है एनर्जी, और किस फॉर्म में कर रहा था, रेडिएशन के फॉर्म में, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, वह रेडिएशन किस फॉर्म में पाया जाता था, कलर के फॉर्म में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यह जो एनर्जी इमिट होता था वह कंटिन्यूअस लाइन होता था कि डिसकंटिन्यूअस लाइन, डिसकंटिन्यूअस लाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज रिलीज एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअसली, मतलब हमारा क्या है छोट छोट के एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है। अच्छा मान लीजिए लगातार होता तो कुछ गड़बड़ हो सकता था कि आपके अनुसार, अरे मान लीजिए एनर्जी अगर लगातार होता तो इससे कुछ खतरा है हम लोग को, बताते हैं आपको। मान लीजिए हम लोग धरती पर आ रहे हैं, ऊपर में देखते हुए बादल कड़कता है, तो आप लोग देखते होंगे जब बादल बहुत तेज से कड़कते तो पहले लाइट आता है, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद आपको आवाज सुनाई देता है, जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लाइट का है वो बहुत फास्ट है कंपेयर टू साउंड, समझे। अब बताइए अब सोच के देखिए कि बादल कड़क रहा है, और बादल में हम लोग जानते हैं कि बहुत खतरनाक बिजली होता है, डेंजरस होता है हम लोग के लिए, और उस समय कहीं बादल गिरा तो अपना आदमी मर गया चाहे बेहोश हो गया, तो अक्सर ये होता है कि आदमी मर जा रहा है उसके कॉन्टेक्ट में आने में, और फिलहाल तो इधर का केस है कहीं का, कोई मेला लगा हुआ, हाँ कोई मेला लगा हुआ था और वहाँ सुने थे बादल गिरे, बादल गिरा तो मर गया था कुछ आदमी, तो वहाँ पे देखिए अगर सोचिए कि बादल बहुत दूर है हम लोग से, यहाँ पे नहीं है हम लोग का अर्थ है अर्थ से बहुत डिस्टेंस में आपका। अब सोचिए मामला कि अगर एनर्जी अगर डिसकंटिन्यूअस ना हो, कि अगर कंटिन्यूअस होता तो मान ली बादल कड़का, और ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर जो एटमोसफेयर है वो आपका बादल है। अब मान ली बादल कड़का और ये एनर्जी लगातार कंटिन्यूअस होते होते हुए हम लोग के कॉन्टेक्ट में आया, और जैसे कॉन्टेक्ट में आएगा सभी को एक ही बार लेके चल जाएगा वो, समझ रहे बात, हाँ तो एक अभी बार बार एक ही बार लेके चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये अगर ये बादल जो अगर जो लाइट आ रहा है वो डिसकंटिन्यूअस के फॉर्म में आता है, समझे, इसीलिए देखते हैं कि जब वो आता है तो एक ही बार असर क्रिएट करता है, तो बार बार असर नहीं क्रिएट करता, लिमिट जगह पर करता है, जहाँ पे आता है वहीं गड़बड़ होता है, पेड़ पौधों में आ रहा है, हाँ पेड़ पौधों में आता है, ये सर जो रहता है ना वॉल्केनो वो अधिकतर पानी में होता है या फिर खाली जगह पे, क्या चीज आ चुका है, ठीक है यहाँ पे आप लोग ये भी देखेंगे,
अरे आपको आपको एक तो आपका ये होता है ज्वालामुखी पानी में उठता है देखिए मामला। हाँ आप लोग ये देखते होंगे कि अच्छा थोड़ा सा बताते हैं। अब देखते होंगे कहीं पानी पड़ता है तो पानी पड़ने की वजह कहीं देख रहे आप यहाँ पानी पड़ रहा है देखो कुछ दूर में पानी पड़ ही नहीं रहा खुद देखे अपना इसके पीछे वजह क्या बताते हैं आपको। जो हमारा एटमोसफेयर होता है वो ठंडक चाहता है मतलब बादल वो ठंडा जगह चाहता है जहाँ उसको ज्यादा ठंडा हुआ माहौल मिलेगा वहीं पानी पड़ता है समझे जहाँ उसको। इसलिए आप सुनोगे कि आप पेड़ लगाइए तो ज्यादा पानी पाइएगा अब पेड़ नहीं तो पानी नहीं यही वजह है समझे। पेड़ क्या करता है कि लगातार ठंडा माहौल देता है और बादल और बादल कहता है कि हमको जहाँ ठंडा महसूस होगा वहीं हम पानी पड़ेंगे नहीं तो नहीं पड़ेंगे समझे। इसीलिए आप लोग सुनते हो कि राजस्थान में जल्दी पानी नहीं पड़ता हाँ बस बस यही वजह है रहता है मतलब ना के बराबर यहाँ पे बोले ना कि इलेक्ट्रॉन है ना जो घूम रहा है ना वह इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जिस खास ऑर्बिट में ना वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है ना सो एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है वह बराबर होता है तो पूछे किसका तो बोलता है होल नंबर मल्टीपल का तो होल नंबर मल्टीपल किसका। इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होता है वह बराबर होता है होल नंबर मल्टीपल का किसका मल्टीपल h बटा 2 पाई का। अब देखिए मामला आखिर सर हम मोमेंटम सुने मोमेंटम क्या होता है वेग की संवेग संवेग मोमेंटम क्या होता है संवेग हाँ और मोमेंटम का सिंबल क्या होता है स्मॉल है अरे पी होता है पी पर पापा ने पी पर मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे तो मोमेंटम बराबर होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम बराबर क्या हो गया मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए कोई भी बॉडी है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना मास होता है आखिर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बोलिए 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना मास है। अब वो देखिए घूम रहा है गोल गोल अब अपने दुनिया मत खाइए समझे मेरा ध्यान का अगर डाइवर्ट वाइवर्ट हो जाएगा तो फिर हम सही नहीं बोल पाएंगे अभी ध्यान डाइवर्ट में कीजिए। देखिए आप लोग देखते होंगे मौत का कुआं आप देखेंगे एक गोलाकार रास्ता अगर आप दौड़े तो नहीं गोल गोल रास्ते में आप दौड़िएगा तो देखिएगा आप दौड़ रहे हैं आप इंसान है एक आपका आपके पास एक अपना मास है और आप गोल गोल घूम रहे हैं देखिएगा कि कुछ जब टर्निंग पॉइंट होता है लगता फेंका देंगे टर्निंग पॉइंट होता है लगता इधर फेंका जाएगा हाँ मतलब जब टर्निंग पॉइंट आता है लगता फिर इधर फेंका जाएगा आप साइकिल में ज्यादा महसूस कीजिएगा समझे पूरा तेज से गोल गोल रहेगा फेंका देगा आप झूला में भी यही चीज को महसूस करते हैं देखते हो झूला से झूला जब नीचे जाता तो लगता क्या गए हैं पूरा डर लगने लगता है और जब फिर ऊपर आता है तो मतलब देखते हो आप जब जब झूला झूलता है तो आदमी चिल्लाने लगता है डर से तो इसके पीछे यही वजह है हम मतलब लगता है फेंका रहे हैं समझे उसके तो वही वजह होता है यहाँ पे देख देखिए आप वहाँ पे वजह आपका मोमेंटम होता है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना मास है और वह घूमने लगा मतलब उसके पास क्या जनरेट हो गया वेलोसिटी तो जिसके पास मास है और अगर वह मूविंग कंडीशन में आ गया तो वेलोसिटी जनरेट हो गया तो वही आपका क्या बन गया मोमेंटम। लेकिन हमको पूछा है एंगुलर मोमेंटम एक होता है आपका लीनियर मोमेंटम मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन है मेरा एक अपना मास है और अगर हम मूव कर रहे हैं अगर मूविंग मेरा आगे और पीछे है इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। अरे मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर आप मूव कीजिएगा और आपके पास एक अपना मास होगा तो वो आपका लीनियर मोमेंटम होगा लेकिन वही आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसका मास है और वह मूविंग कर रहा घूम रहा है जो वह घूम रहा है गोलाकार रास्ता में तो वही आपका एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा क्या कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम।
अब देखिए क्या बोलता है, बोलता है एंगुलर मोमेंटम है बराबर है एन का। अब एन क्या है, एन आपका होल नंबर है, एन क्या आपका होल नंबर, मतलब अगर वह इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा, नहीं बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो आपका ये होल नंबर है ना, ये क्या बोल रहा है आपको, देखिए एन का मतलब भी आपका होल नंबर, और होल नंबर का मतलब क्या, ऑर्बिट का नंबर, एन का मतलब क्या हो गया ऑर्बिट का नंबर। अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, हम कभी बोले कि इलेक्ट्रॉन आधा ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन डेढ़ ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में, ऐसा नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं आपको, हमेशा होल नंबर में बोल रहे हैं, मतलब जो ऑर्बिट का नंबर वो कैसे नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में। और यहाँ एच आपका क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और पाई क्या आपका, पाई तो पाई है लेकिन आप पढ़ेंगे पाई तो सात। हाँ अरे ये आपका मैथ वाला वैल्यू है, जो आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, आपको एक टोपी होगा और टोपी का हाइट निकालना रहता था, तो उसमें पाई का वैल्यू दिया रहता था ब्रैकेट में करके, किसी की जो 3.1, हां अरे 3.14 होता है, 3.14 अक्सर, तो 22/7 भी यूज कर सकते हो, 3.14 भी, हम भी बहुत बार यूज किए, इसलिए हमको याद है वैल्यू। अरे थे कभी आज तुम, कभी आदम जमाने में थे आप, मैं तो पता मुझे तुम डर गए थे पापा बोल मां सही सर, हम शुरू में बड़ा पता है हमको, हमको लगा कि हमको लगा कि कहीं बड़ मास होगा, तो नहीं ना हम भी अगला बड़ मास में गलत कर रहे थे, समझे व्यू भाई गलत थे, केवल भी सही लाए। अब देखिए तो हम बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है डब्ल्यू ओमेगा, अरे ओमेगा अब पढ़े फिजिक्स में, एंगुलर मोमेंटम को ओमेगा बोला जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर बंद मत कीजिएगा, एन एच बटा एन गुना एच बटा टू पाई। अब देखिए हेयर जहां पर ओमेगा आपका क्या है, कौन सा मोमेंटम है आपका, एंगुलर मोमेंटम। देखिए यहाँ पे ओमेगा आपका कौन सा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम है आपका, एंगुलर मोमेंटम। और एन आपका क्या है, अरे एन आपका नंबर ऑफ मोल नहीं है आज, एन क्या है आपका ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर को क्या बोल सकते हैं, शेल का नंबर, चाहे इसी को बोल सकते हैं एनर्जी वाला नंबर, चाहे इसी को स्टेशनरी नंबर भी बोल सकते हैं, फिलहाल हम क्या बोलेंगे ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, और इनफिनाइट ऑर्बिट भी हो सकता है हमारा। अब आ गया हमारा एच, तो एच हमारा कौन सा कांस्टेंट था, प्लैंक्स कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट था, प्लैंक्स कांस्टेंट, और हम बोल रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से भी आया हुआ, लेकिन आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट, तो एच आपको कहां से आ रहा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ये एच तो हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता था, 6.626 × 10⁻¹⁴ ओके। फिर आपका था पाई, तो पाई क्या था, 22/7 ऐसी के एक और वैल्यू हो सकता है 3.14। अब देखिए पूरा हो गया खत्म, थ्योरी हो चुका खत्म, पूछ रहे तो बताते रहिए, अब आप लोग समझ आए बिठा देते हैं। एक और एक पॉइंट और बताते उसके बाद सब। देखिए हम बोलते थे कि बोहर एटॉमिक मॉडल किस पर एप्लीकेबल था, अरे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर, किस पर एप्लीकेबल था आपका, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर, एली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर, और बोहर एटॉमिक मॉडल किस पर एप्लीकेबल नहीं था आपका, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर। अब देखिए कुछ एग्जांपल लिख रहे, इसका नाम बताइए तो क्या? नाम क्या है, हाइड्रोजन, इसका हीलियम, इसका लिथियम, और इसका बेरियम, बोरोन, फिर इसका क्या है, कार्बन,
और मान लीजिए टेनर आता तो एटॉमिक नंबर टू थ्री फोर फाइव इलेवन। अब बोले मेरे पास है एच माइनस, इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्राइड आयन। हाँ वो भी सही है आपका, वो जो बोले वो भी करेक्ट है। इसी का नाम क्या है? हाइड्राइड आयन, चाहे इसी को बोल सकते हैं आप हाइड्रोजन आयन, गलत नहीं होगा। लेकिन जो आप जो बोले वो आपका एच प्लस है। अरे एच प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। और एच प्लस को हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है, बहुत सारे बुक हाइड्रोजन आयन भी बोलता है। और ये आपका हाइड्राइड आयन, कौन सा आयन आपका? हाइड्राइड आयन। जैसे आप लोग जानते हो सीएल आता तो क्लोरीन, और अगर सीएल माइनस आता तो क्लोराइड आयन। इससे क्या पता चल रहा है कि जब कभी नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसके नाम के अंत में हमेशा आयन लगता है, और मेटल के नाम में हमेशा ईएम लगता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाँ हाँ देखिए देखिए आप मेटल में, हाँ सोच लीजिए 90% भी लगता है। हाँ गोल्ड, अरे गोल्ड में आपको कुछ एक्सेप्शन भी है धरती पर, सब थोड़ी है। जैसे केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन है, समझे? आपको अक्सर केस में यही मिलेगा पॉजिटिव चार्ज वाला सब मेटल ना। हाँ पॉजिटिव सब मेटल। अब देखिए एक है मेरा एच माइनस, अब बताइए हाइड्राइड आयन का एटॉमिक नंबर एक होगा कि दो? एक होगा। और हीलियम प्लस का दो ही होगा, और लिथियम टू प्लस का थ्री होगा, और बेरिलियम थ्री प्लस का चार ही होगा, और बोरोन फोर प्लस का पांच होगा, और सोडियम टेन प्लस का ग्यारह होगा। आपको जानना चाहिए इसलिए आपको बोल रही हूँ। अब बताइए ये सब न्यूट्रल एटम है कि चार्ज एटम? न्यूट्रल एटम। तो क्या बोलते थे? जेड बराबर पी, पी बराबर ई। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन, प्रोटॉन का नंबर वन, इलेक्ट्रॉन का नंबर वन, हीलियम का एटॉमिक नंबर टू। तो न्यूट्रल एटम की चार्ज एटम, चार्ज एटम। तो जेड बराबर चार्ज एटम है सर, न्यूट्रल एटम। तो जेड बराबर पी, पी बराबर ई, तो एटॉमिक नंबर टू, प्रोटॉन का नंबर टू, और इलेक्ट्रॉन का नंबर टू। लिथियम न्यूट्रल एटम की चार्ज एटम, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए कौन सा केस था? पी बराबर ई, तो एटॉमिक नंबर थ्री, प्रोटॉन का नंबर थ्री, और इलेक्ट्रॉन का नंबर थ्री। अब देखिए आप आगे लिथियम आया, तो ये न्यूट्रल एटम की चार्ज एटम, तो जेड बराबर पी, पी बराबर नॉट ई, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? थ्री। और प्रोटॉन का नंबर थ्री, और इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होगा, अरे वन होगा। अरे एटॉमिक नंबर तीन है ना, बोले तीन में से दो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर चार, तो एटॉमिक नंबर चार। बेरिलियम थ्री प्लस का एटॉमिक नंबर चार, प्रोटॉन का नंबर चार, यहाँ प्रोटॉन का नंबर चार, इलेक्ट्रॉन का नंबर चार, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर चार, तो ये थ्री होगा। बोरोन का एटॉमिक नंबर पांच, हाँ तो ये यहाँ बोरोन आयन का पांच, प्रोटॉन का नंबर पांच, प्रोटॉन का नंबर पांच, अरे इलेक्ट्रॉन का नंबर एक, इलेक्ट्रॉन का नंबर एक, पांच होगा, पांच होगा। अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर चार, एक होगा, एक होगा। अच्छा बताइए इसका नाम सोडियम है, इसका नाम क्या पढ़िएगा? सोडियम आयन। इसका एटॉमिक नंबर इलेवन, सोडियम आयन का इलेवन, प्रोटॉन का नंबर इलेवन, प्रोटॉन का नंबर इलेवन, इलेक्ट्रॉन का नंबर इलेवन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर वन। हाँ इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो हमारा हाइड्राइड आयन है, हीलियम आयन है, लिथियम आयन है, बेरिलियम आयन है, बोरोन आयन है, और सोडियम आयन, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वो सिर्फ आयन के केस में हो रहा है। एक और केस में होगा इस वाला केस, अरे हाइड्रोजन, इसका भी इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? वन। तो हाइड्रोजन के अलावा न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो आपको परिचय चाहिए हाइड्रोजन दिया, 99% में आपको हाइड्रोजन ही देख दिया क्वेश्चन, ये नहीं देगा तो आपको हीलियम प्लस देगा, तो हीलियम प्लस जल्दी नहीं देता है, क्यों नहीं देता इसके पीछे बड़ा बात है, हीलियम का एटॉमिक नंबर टू है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसको हीलियम और लिथियम ज्यादा नहीं देता। हाँ नहीं नहीं लिथियम देता है,
लिथियम ने अब देगा तो अब देखने अब देखिएगा समझे। तो लिथियम और हाइड्रोजन आपको ज्यादा किस में ये और ये बहुत अक्सर ये आपके हीलियम नोबल गैस है। अब लिथियम लिथियम नोबल नहीं है अरे मेटल है सोडियम सोडियम आपका मेटल है मतलब तीन को नहीं रखा गया था अलग सोडियम लिथियम और पोटेशियम हम बता देंगे लिथियम सोडियम आप ली ना लिथियम सोडियम पोटेशियम बोल रहे क्या हम जान रहे वो आपको अब बोले दोबारा है ना ट्राई रूल बोलने कोशिश कर रहे हम बताएंगे आप समझ रहे हैं तो हल्का हल्का देखिए यहाँ पे अल्कली मेटल है। हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन से तीन चीज पर अक्सर एप्लीकेबल आपका एग्जाम के लिए या तो आपका हाइड्रोजन रहेगा ये नहीं रहेगा तो आपको लिथियम आयन रहेगा ओके। अरे हाइड्रोजन के अलावा कौन कौन सा रह सकता है आपका हीलियम आयन लिथियम आयन बेरिलियम आयन चाहे बोरोन आयन चाहे सोडियम आयन यानी अक्सर आपको तीन के ज्यादा मिलेगा एक ये एक ये एक ये बहुत हल्ला करते हैं किस लिए दिए थे मना राधा मॉडल के डिमेरिट को हटाने के लिए उनका थ्योरी दो थ्योरी पर बेस्ड था पहला मॉडल ओके। अब बोल रहे हैं कि हाँ कि एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते थे न्यूक्लियस। हाँ तो न्यूक्लियस में दो चीज पाया जाता पहला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन होता था कि रिपल्सन रिपल्सन होता था। अब नए दुनिया बना रहे क्या तो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्सन हो गया ठीक। अब बचा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मान ली कि प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी चाह रहा भाई हमको भी तो कहीं रहना है तो वह रहना चाहता है तो वह स्ट्रेट लाइन में रहना चाह रहा था सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट में। तो हम बोल रहे थे कि सर्कुलर ऑर्बिट का जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को घूमने का वह फिक्स एनर्जी है कि नॉट फिक्स एनर्जी फिक्स एनर्जी है फिक्स एनर्जी ओके। अब हम बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि आज है सो हमको जंप करने का मन कर रहा है तो हमको एनर्जी चाहिए तो सनलाइट बोलता है कि फिकर नो हम आपको एनर्जी दे रहे तो कौन सा एनर्जी देगा सनलाइट रेडिएशन देगा। तो वह रेडिएशन का एनर्जी किस फॉर्म में पाया जाएगा रेडिएंट एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रॉन रेडिएंट एनर्जी गेन किया और वह लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट जंप किया तो वहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया कि एनर्जी रिलीज किया एनर्जी एब्जॉर्ब किया कितना देर ठहरा रहा हायर ऑर्बिट में 10 to the power minus 8 seconds और फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज किस फॉर्म में करेगा रेडिएशन के फॉर्म में। और वह रेडिएशन हम लोग कैसे पता चलेगा वह कलर के फॉर्म में होगा किस फॉर्म में होगा कलर फॉर्म में होगा। तो वह एनर्जी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वह कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा कलर्ड होगा ओके। अब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है तो हमको पहले बताइए कि मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना था 9.1 × 10⁻³⁰ kg। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में गोल गोल घूमने लगा तो उसके पास क्या जनरेट हो गया वेलोसिटी क्या जनरेट हो गया वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास के अलावा क्या जनरेट हो गया वेलोसिटी तो उसको क्या बोलिएगा मोमेंटम क्या बोलिएगा मोमेंटम। वह किसी भी केस में हो सकता है अब सीधा जाइएगा तो लिनियर मोमेंटम और मान लिया आप सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे तो कौन मोमेंटम करिएगा उसको एंगुलर मोमेंटम क्या बोलिएगा एंगुलर मोमेंटम। और बोले एंगुलर मोमेंटम है ना तो वह बराबर है किसका होल नंबर की डेसिमल नंबर होल नंबर। तो होल नंबर को नंबर ऑफ मोल बोलते हैं कि ऑर्बिट नंबर ऑर्बिट नंबर। और बगल में एक और चीज था h बटा 2π जहां पर h क्या था आपका प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या था 6.626 × 10⁻³⁴ sec और n क्या था नंबर ऑफ ऑर्बिट चाहे ऑर्बिट नंबर दोनों सेम ही चीज है ओके। उसी को सेल नंबर भी बोल सकते हैं। तो हमारा बोल सकते हैं मॉडल का ये तो सारा पॉइंट खत्म हो गया उसका बाद एप्लीकेशन पढ़ना है। तो अब जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसका हमको फॉर्मूला लाना है उसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनाना है।
देखिए कौन कौन से एप्लीकेशन पढ़ना है। हम तो थोड़ा सा हिट कर ले, चार मिनट खत्म हो जाएगा। आपका है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? यूज। अरे एप्लीकेशन का मतलब यूज, यूज और बोर्ड सर्वे मॉडल। आखिर हम लोग बोर्ड सर्वे पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए यहाँ पे इसका मकसद क्या है, बोलते हैं ना टू गेट फॉर्मूला, तो इसी को बोल सकते हैं टू गेट एक्सप्रेशन। अरे फॉर्मूला एक्सप्रेशन सेम चीज है। एक्सप्रेशन में है कि आपको लॉन्ग फॉर्म में जाएगा, फॉर्मूला देगा। यहाँ लिख सकते हैं टू गेट फॉर्मूला रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट की त्रिज्या को निकालने वाला फॉर्मूला, ठीक है? ऑर्बिट का रेडियस निकालने वाला हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारा टू गेट एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला टू गेट फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर घूम रहा था? सेल या ऑर्बिट में। तो वह कितना स्पीड से घूम रहा था, वह स्पीड का आपको फॉर्मूला निकालना है। तीसरा था हमारा फॉर्मूला है टू गेट फॉर्मूला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसका एनर्जी वाला फॉर्मूला आपको निकालना। फिर एक हम बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वह हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट कूद रहा है, वहां से एनर्जी इमिट कर रहा है। तो जो एनर्जी इमिट कर रहा है, वह एनर्जी जो इमिट कर रहा है कहीं ना कहीं उसका वेव, अगर वह एनर्जी वेव के नंबर में होगा तो क्या बोल सकते हैं वह वेव लेंथ है। अरे आप लोग फॉर्मूला हमारा टू गेट फॉर्मूला और वेवलेंथ। एक वेवलेंथ का फॉर्मूला पीछे ही पढ़ाए थे आप, अब फिर से एक वेवलेंथ का आ रहा है। वो वेवलेंथ का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, हम लोग एक वेवलेंथ पढ़ाए थे सिर्फ और सिर्फ वेव के लिए, और आज किसके लिए आ रहा है आपका इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर चार फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ऑर्बिट में उसका कि रेडियस कितना है, हमने उस रेडियस को पता करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ऑर्बिट में और उसका वेलोसिटी कितना है, उस वेलोसिटी को निकालने के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। फिर बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एनर्जी आके कितना है, कन्फर्म एनर्जी तो होगा ना कि रियली में घूम रहा था कितनी एनर्जी है, तो कन्फर्म एनर्जी भी है। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप कर रहा है, तो वहां से जो एनर्जी मिट कर रहा है आखिर उसका वेवलेंथ क्या है, तो वेवलेंथ निकालने वाला आपका एक फॉर्मूला भी। चार फॉर्मूला आपको पढ़ना है। इस चीज ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब एग्जाम में आया हुआ है, समझे? बस एग्जाम पास करना है, मुझे कुछ काम भी नहीं है, तो आगे जाके फायदा होना है। आगे जाके होम साइंस ले लीजिएगा। देखिए आप तो पहले बताइए एप्लीकेशन जो आपको बोर्ड समय पढ़ना है उसमें किसका रेडियस निकालना है आपको, ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वह कहाँ पाया जाएगा, आपका ऑर्बिट में। नेक्स्ट फॉर्मूला जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके क्या निकालना है आपको, एनर्जी। और जो वह इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उसके क्या निकालना है, वेव लेंथ। तो चार का फॉर्मूला पढ़ेंगे, चारों फॉर्मूला का एक्सप्रेशन करेंगे ना, तो एक एक ग्रेडिएंट पेज का है तो हम तो नहीं फंसेंगे, ठीक है? हम आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है? ताकि जो फॉर्मूला बताएंगे उस फॉर्मूला कैसे आए वो नहीं बताएंगे, फॉर्मूला में जो चीज दिया गया उसका मतलब क्या वो बता देंगे आप, ताकि आपको क्वेश्चन बन जाए। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, समझे, बोर्ड में, तो बता देंगे उसी तरह जिस तरह फॉर्म में आया हुआ है। ज्यादा बताएंगे तो दिमाग जम कर जाएगा।